दिवस महंत दिग्विजयनाथ पार्क तारामंडल के सदर सांसद रवि किशन शुक्ला के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व स्थानीय लोगों ने योग कर विभिन्न आसनों को कर अपने साथ समाज को स्वस्थ बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान सांसद कमलेश पासवान सहित बड़ी संख्या में विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कमर से ऊपर की ओर खींचे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुके जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करने लगे। रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए कमर को यथासंभव सीधा करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचे। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुके। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए तथा सामान्य स्थिति में लौटे। विश्राम करें। सीधे खड़े हो जाए। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में उठाएं और कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने। आप सभी लोग एक आसन में बैठ जाएंगे। प्रार्थना के लिए योग का अभ्यास मनोभाव से प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से योग अभ्यासियों को अधिकाधिक लाभ मिलता है। आप संबद्धम संबोधनासि जानताम देवाभारं यथा पूर्वे। चलिए नहीं नहीं ये इतनी तो है लाइट चलना चाहिए। महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। इस संबंध में मीडियाकर्मी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला व एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया। पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। योगा को पूरी दुनिया को जगाने के लिए आज इसी कार्यक्रम में गोरखपुर में इतना भव्य आप देख रहे हैं कि महर्षि हमारे योगी दिग्विजय नाथ जी पार्क में हम लोग यहाँ पे जुटे हैं। तो आज बड़ा खुश लग रहा है कि समस्त गोरखपुर, आज करीबन हम लोग 8 लाख का टारगेट है कि गोरखपुर में 8 लाख लोग आज योग करें। उसी क्रम में हम लोग सुबह से यहाँ जुटे हुए हैं। नौकायन में एकदम सुंदर माहौल, स्वर्ग माहौल है और योग को अपने जीवन में साधें, बहुत सारी बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे। अनगिनत बीमारियों से आपको निकलना है तो योग शैली को अपने जीवन में जरूर धारण करें। आज यही एक संदेश प्रधानमंत्री जी द्वारा समस्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके कार्यकर्ता पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार। आप जैसा देख रहे हैं हम लोग महंत दिग्विजयनाथ पार्क में एकत्रित हैं। आज गोरखपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। लगभग 9 लाख से ऊपर लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ इस पार्क में परम आदरणीय रवि किशन जी जो हमारे सांसद हैं वो आ चुके हैं, उपस्थित हैं। यहाँ लगभग 1200-1300 के आसपास के लोग